नमस्कार दोस्तों, तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कुछ लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है, यानी जो लोग प्री रजिस्ट्रेशन कर चुके थे उन लोगों के लिए ये चीज़ें अवेलेबल हो चुका है। तो अन्य लोगों के लिए ये चीज़ें अवेलेबल कब होगा, चलिए आज के इसी पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे इंडिया के तभी आपको यहाँ समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, इसमें आपको पता ये चल रहा है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो था वह इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और कुछ यूज़र को अभी दिया गया है, मतलब ये जो अभी है वो अभी टेस्ट वर्जन है, और टेस्ट वर्जन के दौरान अगर अच्छा पाया गया तो वह लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी लॉन्च किया गया है यह अभी टेस्ट वर्जन है और यह कुछ लोगों के लिए ही अवेलेबल था, क्योंकि सभी लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन कर रखा था। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को, या फिर कहिए तो टेस्ट के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर सिर्फ दिया गया है। और अभी अगर आप इसे इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और इस दौरान आपको बहुत सारे ऐसे लिंक देखने को मिलेगा या फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब होंगे जो आपको बताएं कि मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक वगैरह है। तो ऐसे लिंक को अभी आप ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वह कुछ लोगों के लिए सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन जो कर चुके थे उनके लिए सिर्फ अभी अवेलेबल हुआ है, बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। और अभी आपको अब अवेलेबल नहीं भी होगा, यानी ये जो एप्लीकेशन है वह 9 बजे या फिर 10 बजे के आसपास में इंस्टॉल होना शुरू हुआ था, तो इसके बाद अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब उसी टाइम में जो इंस्टॉल कर लिए वो हो गया, अब आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा या फिर ये लिंक अभी आपको काम नहीं करेगा। अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखिएगा तो आपको पता ये चलेगा कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन बिकमिंग ए टेस्टर फॉर द बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया एप्लीकेशन। हाउ यू वर एट दिस टाइम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऐप टेस्टिंग प्रोग्राम हैज़ बीन रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्टर्स डेट कैन पार्टिसिपेट इन इट एंड इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी मोर टेस्टर्स। यानी कुछ लोगों को अभी लिया है और बाकी लोगों को अभी आप नहीं लेगा। मतलब आप यहाँ पर समझ रहे हो कि जिन लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन कर रखा था उन्हीं लोगों को ईयरली एक्सेस हो पाया है, और जिन लोगों का नहीं हो पाया है उनको अभी वेट करना है, क्योंकि जब तक टेस्टर्स वगैरह अपना रिव्यू नहीं देंगे तब तक आप लोगों को मिलने वाला भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वेट करना चाहिए, और अगर आपको कहीं से भी अभी कोई लिंक मिले यहाँ से आपको मिल जाएगा तो ऐसी चीज़ों को डाउनलोड मत कीजिए, वरना आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर ओवरऑल ये बताना चाहता हूँ कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अब बहुत जल्द आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, बहुत जल्द ही आप इसे इंजॉय भी कर पाओगे। और कुछ लोगों ने आपको ये गेम खेल के भी दिखाया होगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ दिन आपको वेट करना चाहिए। अभी जो लॉन्च हुआ है वो कुछ लोगों के लिए था, अभी जो आया हुआ सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन वाले लोगों के लिए था। तो वो लोग अभी इंस्टॉल किए हैं और अपना रिव्यू वगैरह देंगे, उसके बाद ही आप लोगों को मिल पाएगा, ठीक है। तो अभी जो लॉन्च किया गया था या फिर प्ले स्टोर पर देखने को मिला था या फिर कुछ लोग जो इंस्टॉल किए हैं वह सिर्फ टेस्ट वर्जन था या फिर कहे तो ट्रायल वर्जन था। ट्रायल वर्जन के बाद इसका ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है, जिसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाओगे। तो अभी जो लॉन्च हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, और आपको वेट करना चाहिए। अभी आपको कहीं से भी लिंक मिले तो आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है उसमें आपको कुछ बग या फिर कुछ वायरस या फिर कुछ स्पैम वगैरह देखने को मिले, इसीलिए ऐसी चीज़ से आपको बचना है। और अभी जो है ऑफिशियल तरीके से कुछ लोगों को ही दिया गया है, बाकी कुछ दिन बाद आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो आप वेट कीजिए और पेशेंस रखिए, बाकी चीज़ अपने आप आ जाएगा तो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी प्री रजिस्ट्रेशन ऑन करके रखा है, हम लोगों ने भी करके रखा है, लेकिन सभी को नहीं मिला है, सिर्फ कुछ लोगों को ही दिया गया है, ठीक है। इसलिए अब आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वेट करना है, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना महत्वपूर्ण जवाब कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।